गोखले से गॉर्डन की जर्नी, महाराष्ट्र से नेदरलैंड्स की जर्नी, कैसे इतने सालों से शी हैज बीन वाउइंग द वर्ल्ड इन हर ओन वे एंड समहाउ वन ऑफ दोस हिडन जेम्स. और कैसे मैं इतना हैप्पी हूं कि आज इतने सालों के बाद टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग एंड थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल फाइनली आई गेट टू मीट यू. निकिता कैसे हो? ऑल गुड रॉकिंग. And I'm so happy that you know तुम finally मेरे स्टूडियो आ गई हो. Yeah. सबका शेड्यूल इतना क्रेजी रहता है because of COVID. Yeah. But कैसा रहा है तुम्हारा last 2-3 years? हर एक परफॉर्मर के लिए, हर एक पर्सन के लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इनसिक्योर टाइम रहा है. So मैं एक ट्रैवलिंग आर्ट न्यूड मॉडल हूँ, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा बुरा रहा. बट वी ऑल्सो मतलब उसमें भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला था रिमोट शूट का. सो फॉर मी इट वॉज बैड बट नॉट दैट बैड. वाह. बट इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द वर्ल्ड वुड परसीव यू. सो यू नो आपने बस ये बाय कैजुअली यू मेंशनड आर्ट न्यूड मॉडल. And the first time I remember when we were having a discussion also, you were trying to explain to me the meaning of what this was. Yeah. India ke culture mein rehke, your household, aapke gaon se, kaise? I don't understand this. Yes, you have finance background also. Tum stock market mein bhi reh chuke ho. But you do this art paintings all over the world and how people perceive you is so difficult to understand. Toh ye kaise aur kyun isme ghuse? सो व्हेन आई स्टार्टेड दैट, उस वक्त मेरा एक ही था कि हाँ पैसों की ज़रूरत है इसलिए करना है. बट आज मुझे हाँ पैसों की ज़रूरत है बट उतनी नहीं है जो उस वक्त होती थी. तो आज मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. और मैं इस चीज़ को समझती हूँ, जब तक आप उस सेक्टर में घुसते नहीं है तब तक आपको उस चीज़ की अहमियत नहीं समझती है. आई फील कि हम इंडिया को बोलते हैं लैंड ऑफ कामसूत्रा, मतलब बाहर इंडिया जैसे उसके कल्चर के लिए पहचानी जाती है, वैसे एक लाइन हमेशा उन लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ कामसूत्रा. ऑल्सो इंडिया हैव सो मेनी टेम्पल्स जहाँ पे क्लासिकल इंडियन आर्ट न्यूड्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि हम जब वहाँ पे जाते हैं खजुराहो, आई रिमेम्बर खजुराहो, खजुराहो, और वो भी हनीमून कपल्स जाते हैं खजुराहो. और उसमें मुझे याद है मैं औरंगाबाद में 2003 में मेरे फैमिली के साथ गई थी और मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त हमारी आंखें बंद कर दी थी. इतना मतलब हमें हमारे कल्चर को ही पता ही नहीं है. करेक्ट, और वहां से लोग यहाँ पे आते ये सब चीजें देखने के लिए, क्योंकि आर्ट न्यूड हमारे यहाँ से बना हुआ है और हमें ही पता नहीं है. और यहाँ तक कि हमारे लोग जो लड़कियाँ या फिर जो लोग करते हैं उनको दे कंसिडर आर्ट न्यूड एज अ पोर्न, जो कि है नहीं. आई थिंक वो तुम्हारी काफी बड़ी फाइट रही है कि इसको पोर्न एंड आर्ट न्यूड को सेपरेट करने के लिए, बिकॉज आई थिंक इस पोर्न शब्द का भी यूटिलाइजेशन हमारे शब्दों में लास्ट 3-4 साल से ही हुआ है. बिफोर दैट ये भी एक ऐसा शब्द था कि लाउडली अगर बोल दिया तो बड़ा प्रॉब्लम. आई थिंक नाउ थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज होने लग गया है. बट इवन स्टिल देन, तुम्हारे अगर करियर की मैं बात करूं, एक मॉडल थी तुम, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही थी, तो तुम्हारे दिमाग में ये सिर्फ नहीं था. You always had a great body. So yes, you were taking part in the bikini hunts and all those kind of things. Lekin aisa nahi tha ki, or was it, ki tum iske baare mein soch rahe the. So suddenly India mein bhi iske baare mein janna kaise? Thoda mujhe aapko flashback mein leke jana padega mere bachpan mein. To main तुम सर, जो कि अगर आप इंडिया का अगर मैप देखेंगे आपको तुम सर नहीं दिखाई देगा. आप महाराष्ट्र का मैप देखेंगे उसमें भी नहीं दिखाई देगा. आप जब नागपुर का मैप देखेंगे तब भी नहीं दिखेगा. जब आप भंडारा डिस्ट्रिक्ट का मैप देखेंगे तब आपको एक छोटा सा तुम सर दिखेगा जिसका पॉपुलेशन आई थिंक अराउंड 40,000. वहाँ से एक छोटे से परिवार से जिसकी फैमिली टिपिकल ट्रेडिशनल है, मतलब आप पकड़ लो, अगर हम जब मैं स्कूल में थी उस वक्त अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ, मेरे कजिन भी आगे आ गए, तो मुझे परमिशन नहीं है कि मैं सर उठा के उनसे बात करूं. हमेशा सलवार सूट में जिस लड़की की अगर चुन्नी भी थोड़ी नीचे हो जाए तो पहले मतलब आंखों से हम लोग समझ जाते थे हमारे पेरेंट्स की बात है कि हमें चुन्नी ऊपर करनी है. अगर वो लड़की आज क्लासिकल आर्ट न्यूट कर रही है तो ऑफकोर्स ये इतना ईजी डिसीजन नहीं था. मैं हमेशा मेरी लाइफ दो चीजों से कंसिडर करती हूँ, एक स्टॉक मार्केट क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ तुम और मैं बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हैं. मेरी लाइफ कभी भी सीधी नहीं चली, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन. दूसरा, मैं
मेरी लाइफ को शोले पिक्चर से बड़ा कनेक्ट करती हूँ, जहाँ पे गब्बर भी है, लव लाइफ भी है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. इवन टिल टुडे आई एम फाइटिंग विद द प्रॉब्लम, मतलब जब स्टार्ट किया. सो शायद अगर मैं उस वक्त घर से भाग नहीं जाती, मतलब मेरे घर वाले व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, तो शादी हमारे यहाँ पे वही है कि 17 साल की हो गई, हमारे परिवार में 17 साल की हो गई लड़की की शादी कर दो. तो बचपन से मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि, वैसे मैं आपको बता दूं मेरा नाम रियल दुर्गा है. तो दुर्गा कैसे ऐसा कर सकती है कि जो लोग बोलेंगे वो सुनेगी, दुर्गा तो अपने डिसीजन लेगी. तो बचपन से मेरा 17 साल की उम्र में ये सब सोच रही थी. हाँ, कि मेरा काउंटडाउन चालू है कि तुम नहीं करने दोगे, तुम मुझे नहीं बोलोगे क्या करना है, मैं डिसाइड करूं. मैं पहले से ही झांसी की रानी हूं और वो परिवार में पहले से ही दिख गया था कि ये किसी की नहीं सुनने वाली है. क्योंकि जब हम छोटे थे ना सलील, तो आज जो लोग बोलते कि हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग आपको बहुत सजेशन देंगे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपके ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है. सो माय फादर, जैसे हमारी उधर नागपुर साइड में जंगल की लकड़ियाँ ला के उसको बेचते थे. सो यू यूज टू गेट 5 रुपीज़ आफ्टर सेलिंग. ओके, अब आप ये सोच सकते हो कि 5 रुपये, आप अगर एक मोरी बोलते हैं हम लोग उसको, उसको अगर बेचते हैं तो आपको 5 रुपये मिलते हैं. उस पर आपके 4 बच्चे हैं, ना घर है ना कुछ है. तो जहाँ पे हम लोग रहते थे उसका रेंट था 80 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें अगर बारिश आ जाए तो, अभी मैं कभी कभी देखती हूँ वो चीज़ें तो मुझे याद आती कि लोग जब बारिश का पानी अंदर आ जाता है तो पानी उठा के बाहर फेंकते हैं, राइट. तो हम लोग भी वैसे ही किए. मैं सबसे बड़ी थी तो ये चीज़ों को समझती थी, मेरे पीछे और मेरे 2 भाई और 1 बहन थी. तो पहले से दिमाग में स्टोर था कि मैं बाकी लड़कियों जैसे इस दुनिया पे आई हूँ, और फिर थोड़ी थोड़ा एजुकेशन लेके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, फिर बच्चों वही साइकिल दोबारा चालू हो जाए. ऐसे तो नहीं करना मालूम, अगर मुझे बाद में ये सब घूम के गड्ढे में ही जाना है तो उससे बेटर तो मैं पहले गड्ढे में जाऊंगी. एक तो मैं बहुत अच्छा करूंगी या फिर एक तो बुरा करूंगी, इतना मुझे पहले से था. तो ये लाइन जब मैं मेरी माँ को बताती थी, क्योंकि हमारे घर पे ये गैस वैस तो भूल ही जाओ, चूल्हे पे खाना बनाते थे. तो मेरी मम्मी उसने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, माई फादर जस्ट 2 स्टैंडर्ड. तो मेरी मम्मी को ये था कि हाँ पढ़ लो, पढ़ लो, बहुत पढ़ लो. तो मेरे पापा जब 11 बजे रात में, क्योंकि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनके आते तक मेरी मम्मी हमें चाटे लगा लगा के, जो 2 का टेबल होता है वो पढ़वाते थे. तो तब मैं जब ये बात मेरी मम्मी को बोलती थी ना, मुझे मम्मी ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आई हूँ. तब फिर से एक चपात पड़ी थी, इसलिए नहीं कि मैंने 2 का टेबल रॉन्ग बोला, इसलिए कि मैंने ये लाइन बोली है. तो पहले से ही ये दिमाग में फिक्स था, लेकिन उस वक्त ये था कि हाँ मैं ना बहुत पढ़ाई करने वाली हूँ और पढ़ाई के इस पर आगे बढ़ने वाली हूँ. इवन देर वॉज अ टाइम कि जब पापा तो चलो जो कमाया है थोड़ा घर पे दिया, बाकी गया 5 रुपये की मोवा वाइन में. तो जब मैं मेरे भाई बहन को देखती थी, मुझे ऐसे पहले से ही फील होता था कि ना मैं उस 13-14 साल में बिना बच्चे पैदा किए ही माँ बन गई हूँ इन 3 लोगों की. आई यूज टू फील दैट, क्योंकि जब घर पे गाने के लिए नहीं होता था ना, तो आपके पेट को नहीं देखते हो, आपके भाई बहन के पेट को देखते हो. ऐसा भी मतलब कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि बिन बुलाए किसी के शादी में चले गए, वहाँ से बांध के भी लाया और अपने भाई बहनों को भी दिया. यहाँ तक कि ऐसा भी आया कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जब मैयत मतलब लाश जाती है तो उसके पीछे पैसे फेंके जाते थे, तो वो पैसे इकट्ठा करके भी हम लोगों ने शाम का खाना ये किया. अब आप सोचो कि जिसने ये सब दिन देखे, क्या आज वो लोगों के कमेंट्स से जिसे मतलब मुझे डर लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो पहले भी यही बोलती थी कि लोगों को जो बोलना है वो बोले, मैं तो किसी की नहीं सुनने वाली. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो हम लोग आम के पेड़ है हमारे साइड का. मैं ऐसे चुप नहीं रह पाता हूँ. तो मैं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं तुम्हारे. मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ, right. और मतलब फॉर मी टू बी क्वाइट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. और इसलिए मैंने ना पहले आपको ये मतलब मेरा रिक्वेस्ट था कि मैं हिंदी में ही बोलूँ. बिल्कुल बिल्कुल. वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया का हर वो बंदा जिसे इंग्लिश नहीं भी आती उस तक ये कहानी पहुँचे, कि मतलब क्योंकि आज सोशल मीडिया सबके हाथ में है, वो मेरी फोटोज देखते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू कमेंट की यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट. बट
बैकग्राउंड स्टोरी तो पता ही नहीं है. जो लड़की, जैसे मैंने बोला कि सलवार की चुन्नी खिसक जाए, उसको संभालने वाली लड़की अगर आज कैमरे के आगे न्यूड हो रही है, तो कुछ तो हुआ होगा ना. ऑफकोर्स मेरी थॉट प्रोसेस ऐसे ही नहीं चेंज हो गई होगी. तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके फादर अब्यूसिव थे, ही वॉज, बट उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स आप सेकेंड क्लास पढ़े हुए, काम नहीं है, गांव में कौन सा काम मिलेगा आपको, जंगल की लकड़ियां तोड़ के आपको बेचनी है, वो भी आपको 5 रुपए में एक वो जो 4-5 इसकी थी वो बेचेगी, राइट. तो एक स्ट्रेस रहता है, क्योंकि चार बच्चों को पालना है, तो वो स्ट्रेस में बंदा ड्रिंक करता है, और फिर उस वजह से ऑफकोर्स थोड़ा सा एब्यूसिव तो होता ही है. तो मैंने मेरे पापा को कभी इसके लिए ब्लेम नहीं किया है, क्योंकि मैं समझती थी कि वो किस सिचुएशन से जा रहे हैं. सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब हमारे यहाँ पे ना आम के पेड़, जैसे कि मैं बता रही थी, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए. शाम का खाना अरेंज करना है, मम्मी पापा की मार खाने में बिजी इन दोनों का चल रहा है. अब मुझे तो मेरे भाई बहन दिख रहे हैं, तो हम लोग वो आम के पेड़ के जो गिरे, तूफान जब आता है ना, तो आम गिरते थे, उस आम को कलेक्ट करते थे, और जब से मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे हिसाब किताब पता था, उसको साइकिल पे रख के 2 रुपए किलो, उस वक्त मार्केट में चलता था 10 रुपए किलो का रेट, बट वो आम थोड़े वैसे ना खराब होते, तो गांव में उसको 2 रुपए किलो के हिस्से ले लेते, उसको बेच के हम लोगों ने अपना रात का खाना अरेंज किया है, क्योंकि हर बार शादी या तो नहीं होने वाली है गांव में, और उस वक्त ना आज रिलेटिव हो या फिर आसपास के हो, मतलब अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे बोलते थे, उस वक्त हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ. हाँ, लेकिन ये ज़रूर करते थे कि अगर उनके घर पे रात का चावल बचा है, तो इतनी इंसानियत सब में थी कि वो जब चावल ख़राब हो जाता था, तो वो चावल, हाँ चलो बच्चे खा लेंगे, ये बोल के दिए जाते थे, और उस चावल को हमारी मम्मी उसको धो के उसमें मिर्ची डाल के वो खा के हम बड़े हुए हैं. कभी मतलब ये है कि अभी कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, जो मोटिवेशन लेवल है या फिर स्ट्रांग रहने की जो काबिलियत है, वो टूटेगी नहीं. और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे भाई बहन भी इन सब इससे गुजरे हुए हैं. मैं तो चलो मतलब आज थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए मेरी कहानी कुछ लोगों को पता है, लेकिन उनकी कहानी भी अलग है. सो फिर उसके बाद में जैसे 15th में मैं 10th की थी, फिर 12th क्लास में आने के बाद मुझे ये था कि मुझे ना CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो स्कॉलरशिप थोड़ी बहुत मिल जाती थी. गांव में लोग पढ़े लिखे थे अच्छे? कुछ लोग थे, अभी वो कुछ लोगों तो ये के CA का ख्वाब कहाँ से आया? मुझे पैसों से खेलना था. क्योंकि पैसा ही हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम रहा है, तो मुझे पैसों से खेलना था. और मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी इतने अच्छे थे कि जो टीचर लोग होते, बाकी स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा बताते थे कि अच्छा देखो ये इतने गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे, तब भी इनके नंबर अच्छे आ रहे, क्योंकि पापा आते तक हमें 11 बजे तक मम्मी मार खा खा के मतलब खिला खिला के पढ़ाती थी, और खुद भी खाती थी, बोलना खुद भी खाती थी, हमें भी खिलाती थी. तो हमारे ना अभी स्कूल से मुझे एक इंसिडेंट याद आया. हमारे स्कूल में फ्राइडे सरस्वती पूजन होता था. अब उस सरस्वती पूजन में सभी लड़कियों को 1 रुपया देना पड़ता था. हमें तो 5 पैसे मिल जाए पापा की तरफ से, वही बहुत है, तो 1 रुपया कहाँ से दें. तो पहले दिन पूछा मैडम ने, पैसे लाई दुर्गा? नहीं लाया. दूसरे दिन पूछा, नहीं लाया. फिर वो बुधवार आ गया, पैसे ही नहीं है दुर्गा के पास, तो लाएगी कहाँ से. फिर क्लास में सबके आगे ना पता नहीं मैं टूट गई, तो मैंने, क्योंकि उस वीक में ऐसे चल रहा था नहीं घर पे खाना, तो हम लोगों के खेत में जाके जो फलियाँ होती है, तूड़ी चेंगा बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो फलियाँ चुरा के ला के हम लोग पूरा 1 हफ्ता वैसे निकाल रहे थे, और पापा तो अपने ही होश में थे. तो फिर वहाँ पे मैडम को 1 रुपया कहाँ से देते. तो उसके लिए उस वक्त जो मेरे टीचर थे, क्योंकि वो तो हम किसी को ऐसे अपने कलीग को ऐसे बता नहीं सकते ना कि घर पे क्या हो रहा है. जब रात में घर पे दिंगाना होता था, तमाशा होता था, सो माई मतलब मेरे जो पापा थे, हम सबको घर के बाहर निकाल देते थे. फिर बारिश आए, हम लोग बैठे रहते थे बाहर, नहीं हुए तो फिर 3 बजे रात में फिर बड़ी मम्मी के इधर जाते थे, और फिर सुबह स्कूल भी जाना है. तो
कभी जो आसपास वाले बच्चे होते थे ना उनको पता होता था कि इनके घर में क्या हुआ है, लेकिन बच्चों को समझता कहाँ है, वो स्कूल में जाके सबको बताते थे फिर सब हंसते थे। तो एक जो होता है ना लो सेल्फ इस्टीम वो भी वहाँ से बन रहा था, ऊपर से मेरा कलर सांवला तो एक बुलिंग भी होता था। लेकिन हमेशा मैंने ये सोचा है कि मैंने ये सब इसको ना निगेटिव इसको ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। सो एज आई सेड कि मुझे सीए करना था, तो मैं हमारी जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके यहाँ, उनकी बात ना मुझे वो हमेशा याद रह गई, दिमाग में फिक्स रह गई, क्योंकि जब कोई कुछ बोलता है ना तो मैं वो फिक्स कर देती हूँ। तो मैं जब उनसे पूछने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है सीए, तो मैं जब उनसे पूछने गई उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि दुर्गा तेरा बाप तो दारू पी के पड़ा रहता है यहाँ पे, मैं गवर्नमेंट ड्यूटी में होने के बाद अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता तो तुम्हारा बाप तुम्हें क्या पढ़ाएगा। और मैं जो कूद रही थी मुझे ये था कि हाँ स्कॉलरशिप पे सीए हो जाता होगा, लेकिन सीए एक प्राइवेट स्टडीज था तो उस पर नहीं होता है। तो वो बात उनके दिमाग में रह गई और आज उनका लड़का सड़क पे सोया रहता है दारू पी के और हम लोगों का लेवल चेंज हो गया। सो 17 के बाद ये हो गया, एंड देन उसके बाद घर पे चल रही थी शादी की बातें, पैसे तो है नहीं। पढ़ाई जो तुमने चूज भी किया है, मैंने बहुत, कितने सारे लोग वैसे ही फेल हो जाते हैं। हाँ तो मैं भी हो गई थी ना तो घर पे शादी की बात चल रही थी, क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ बाप से ज़्यादा रिश्तेदारों को टेंशन हो जाती है। मैं भाग गई घर से, पूरे गांव में मेरा नाम बदनाम हो गया कि दुर्गा घर से भाग गई किसी लड़के के साथ। लेकिन मैं तो अकेली भागी थी, किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, क्योंकि निकलना था मुझे उस माहौल से। ना मतलब तुमसर से नागपुर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं, ऐसे निकल गई तुम। ऐसे ही निकल गई, मतलब ये पकड़ लो कि मेरे पास 10 रुपए हुए होंगे। हमारे यहाँ पे ना कभी कभी अगर बिना टिकट के भी चढ़ जाओ तो पहुंच जाते हो आप, थोड़ा सा करना पड़ता है झुगड़म। भागने के पहले कुछ मैंने किसी के घर पे एज एन मेड काम किया था समर वैकेशन पे, आज उन लोगों को पता नहीं कि हमारे घर पे काम करने वाली नौकरानी है करके तो वो पैसे मेरे पास थे, उस पैसों से मैं नागपुर गई थी। अच्छा जब वहाँ पे गई तो दिन भर घूमने के बाद मुझे शाम तक मार्केटिंग की जॉब मिली थी। मार्केटिंग की जॉब में साइकिल से आपको पूरा नागपुर घूमना था, आप 400 रुपये का कार्ड अगर बेचते हो तो आपको उसमें 100 रुपीज़ मिलते थे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास साइकिल ही नहीं थी, और साइकिल मेरी थी गाँव में, अब उसको यहाँ से कैसे, क्योंकि मैं तो भाग गई हूँ ना वहाँ से। तो मैं मौसी के यहाँ पर रुक गई, मौसी ने पूछा नहीं, मौसी ने नहीं पूछा, फोन नहीं था ना उस वक्त कैसे पूछते। लेकिन 2 दिन के बाद कुछ और ही इंसिडेंट मेरे साथ हो गया, मेरी कजिन की डेथ हो गई। तो वो बताने के लिए मेरे बड़े पापा मतलब ऐसे बताने के लिए आते कि उस वक्त फोन नहीं था, तो हम लोग जाने, उनको तब पता चल गया कि दुर्गा मौसी के यहाँ है, हम लोग जाने के लिए रेडी थे। यहाँ से हम लोग निकलने ही वाले थे, हम लोग मतलब पहुँचे तुम सर, मेरे मौसी के घर से 500 रुपये की चोरी हुई थी, उनके घर पे किराना शॉप था। जब आप गरीब रहते हो ना तो कोई भी आपके ऊपर इजीली कुछ भी बोल देता है। हम लोग मेरी कज़िन का फ्यूनरल वगैरह करके आए थे तो, और मैं बैठी हुई थी, मेरे मौसा जी जो कि उस फ्यूनरल में नहीं आए थे, सिर्फ मौसी आई थी, लेकिन मौसा जी मेरे नागपुर से स्पेशली मुझे मारने के लिए आए कि मैंने उनके घर के 500 रुपये चुराए। जो मतलब मेरे पापा घर पे नहीं थे लेकिन मम्मी और दादी थी, मुझे आज तक पता है कितना गंदा उन्होंने मुझे मारा था। मतलब मैं आज भी जब उनके घर में जाती हूँ ना, उनके आंखों से आंख मिलाती हूँ, मुझे लगता है यार यही बंदा है मुझे बिना रीजन से इसने मारा था। बट वो मार सही टाइम पे मिली थी, क्योंकि तब पता चला कि जब आप गरीब रहते हो ना तो कोई भी आपकी बजा के चला जाता है। फिर वहाँ से कुछ टाइम बाद फिर मैं निकल गई, तब मैंने घर पे ये बोला कि मुझे ना जॉब मिली है, 10,000 रुपया मेरा महीने का पगार है तो मैं कैसे ऐसे 10 तुम्हारे घर में 10 रुपए की मैंने कैलकुलेशन लगा लिया ना कि अगर एक कार्ड मैं बेचती हूँ तो मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं। अच्छा। दिन में 20 कार्ड तो मैं बेच ही दूंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई था मेरा। और घर पे ये नहीं बोला कि ये कमीशन बेसिस है कुछ भी, बोल दिया कि हाँ 10,000 रुपये महीना। मेरे मम्मी पापा तो खुश हो गए, चलो बेटी कमा रही है अभी, शादी जाने दो, अब तो शादी नहीं करानी है।
वापिस चले गई नागपुर और उस मौसी के घर पे नहीं रुकी उस वक्त, फिर मैं दीदी के घर पे रुकी जो उन्होंने भी बाद में भगा दिया था। तो अच्छा, अभी इस बार साइकिल लेके मैं गई। पहले दिन पूरा नागपुर घुमा, एक भी कार्ड नहीं बिका। दूसरे दिन भी घूमा, एक भी कार्ड नहीं बिका। मैंने बोला यार अभी इनको एक महीने बाद 10,000 कहाँ से दूँ। ऊपर से दीदी के घर पे भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे क्योंकि खर्चा तो रहता है ना एक जन को खिलाने का। तो मेरे जनरल मतलब वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक GM थे, बट उनको भी एक मार्केटिंग में ना लेवल, पहले आप टीम लीडर बनते हो फिर ऐसे। तो वो GM और एक दिलीप पावटी करके थे, वो दिलीप पावटी GM थे और मेहुल आचार्य DGM थे। तो अभी किसी के ऑफिस में आप जाओ तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एम्प्लॉई फुल सर से लेके पाँव तक मतलब ये होना चाहिए। अब मैं दिन भर साइकिल चलाऊं और जो साइकिल की जब चैन गिर जाती है तो उसका जो काला काला जो होता है वो मेरे सलवार को यहाँ नीचे लग जाती थी। रोज आती थी दिलीप सर मुझसे पूछती थी, मैडम क्या है आपको कपड़े भी पहनना नहीं आता है बराबर, आपके देखो पैर का वो पैजामा काला काला हुआ है, आपने नाखून नहीं काटा मैडम। तो नेल पेंट तो दूर की बात है ना, कौन लेगा मतलब उस वक्त मेरे ख्याल से 2-3 रुपए का बॉटल आता था, कौन लेगा, पैसे बचा लो वही है, ऊपर से कार्ड भी नहीं बिक रहा है। शायद फिर कुछ टाइम बाद मेरी कार्ड सेल होने लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं पीच अच्छे से कर रही थी इसलिए सेल हो रही थी, मुझे लगता था लोग मेरी सिचुएशन देख के ही कार्ड लेते थे। तो ऐसे ही मैं घूमती थी। वंस आई रिमेम्बर, और उस वक्त मैंने CA की इसके लिए 3,000 रुपया दे के एडमिशन भी कर लिया था, ग्रेजुएशन का भी कर लिया था, उसमें 700 रुपये डाले थे, CA भी करना था उसमें भी पैसे डाल दिए, ऊपर से ये मार्केटिंग की जॉब भी चल रही है। लेकिन अगर मुझे जैसे हमारे मार्केटिंग में बोलते कि अगर आप 100 लोगों से मिलो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये 100 के 100 आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो वैसे मुझे 99 लोग ना मतलब मना कर देते, एक खरीद लेता था। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते थे कि जो आपको अच्छा ज्ञान देते थे। मुझे याद है मैं लोकमत बिल्डिंग में, हमारे बॉडी में ऑफिस है, तो विजय दर्डा ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, उनके साथ लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते, मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो मैं उनके ऑफिस पहुँची और हमें सुबह इतना अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता था कि हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता था वो हाँ, मतलब हम तो हजार कार्ड बेच के आओगे बिल्कुल, मतलब हम तो प्रेसिडेंट के सामने भी जाके इतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। तो मैं लोकमत बिल्डिंग में चले गई, नीचे विजय दर्डा जी का ऑफिस था, पहले ही पढ़ लिया था कि हाँ विजय दर्डा। मैं जाके वहाँ बोलती हूँ उनको कि मुझे ना विजय दर्डा से मिलना है, वो शायद उनका सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड या PA था, वो पहले तो मेरे तरफ देखता है ऐसे। शायद उसने बहुत मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़की क्या करने आई। मैं उनको बोलती हूँ मुझे ना विजय सर को मेंबरशिप कार्ड देना है, उनको मेंबरशिप देनी है, और उन्होंने उनको जाके भी बता दिया कि एक लड़की है 5 फुट की काली सी लड़की जो आपको कार्ड बेचने आई है। तो और उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। दिन भर घूमा था बंदा, खाने मतलब खाने का तो ऐसा था कि 5 रुपये में हमारे गांधी बाग में समोसा और चाय मिलती थी, तो वो हो गया हमारा लंच 5 रुपये में। बिल्कुल मैं फिक्स रेस्टोरेंट था वहाँ, अगर मैं गई तो उस बंदे को पता था इसको एक समोसा और एक चाय देनी है। तो मैं जाके उनको बता रही हूँ कि सर वहाँ पे हाईलैंड नागपुर में हाईलैंड वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क था, तो उनको जाके मैं बोल रही हूँ सर ये है, आप अगर फैमिली के साथ जाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। वो भी मुझे सुने जा रहे। फिर मुझे बोलते हैं बेटा आप क्या करते हो, मैंने बोला सर मैं CA कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। तो बोलते इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, फिर पढ़ाई कब करते हो। बट उन्होंने मुझे उस वक्त एक बात कही थी कि मतलब हमारे यहाँ पे जो अच्छे फैमिली से लड़के है ये है, उनको फाइनेंशियल भी हेल्प करने के बाद में स्टडी क्लियर नहीं कर पाते, और तुम मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो और मेरे सामने आके भी बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, वहाँ पे 6 और लोगों को बुलाया, मतलब उनको पकड़ के 6, और मेरे
छह कार्ड बिक गए। अब उस दिन हमारे ऑफिस में ऐसा होता था, आप अगर छह कार्ड बेच दे तो आपको रिंग बजानी पड़ती थी कि आपने हैट्रिक कर ली है क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर आप तीन दिन बेल बजा दिए तो आप टीम लीडर बन जाते हो। तो पहले दिन भी बिके, सेकंड डे और मैं ऑफिस में जाके बैठ गई कि ये बंदा और करा दे, एक बकरा मिल गया मुझे। तो उन्होंने फिर मुझे किसी और का रेफरेंस दिया, फिर मैं उनके ऑफिस में जाके बैठी। ऐसे मेरे कंटिन्यूसली तीन दिन बेल बजा दी, अब मेरा प्रमोशन हो गया, मैं 18 साल की उम्र में टीम लीडर बन गई। अभी जब दूसरे लोग आएंगे उनका इंटरव्यू लेती थी मैं, जबकि जो दूसरे लोग आते थे वो मुझसे ज़्यादा बड़े ग्रेजुएट वगैरह होते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस का डोज हमें मिलता था ना सुबह। तो ऐसी मेरी मार्केटिंग वाली लाइफ की जर्नी रही, लेकिन तुमसर में लाइफ तो गुजारनी नहीं थी। और मेरा तुमसर छोड़ने के पीछे रीज़न ये भी था कि सिर्फ 3,700 मेरे लिए से इनफ नहीं थे, इसलिए मैं लोगों के घर पे जो उनके पर्सनल अकाउंटिंग वाला होता था वो भी देखती थी। उस वक्त टीचर शायद तो बहुत अच्छे इससे नाम लेना चाहिए, बट जो उस वक्त हुआ उसके बाद तो मैं उनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाई। तो पहले जैसे मैं सीए कर रही थी तो कुछ मैथ की ट्यूशन उनके पास लेती थी, वो फ्री में पढ़ाती थी मुझे, नो डाउट। लेकिन जब मैं नागपुर से वापस आई थी तो मैं उनका अकाउंटिंग का काम देखती थी। तो जब मैं अकाउंटिंग करती थी वो साइड में बैठे होते थे, अब उनके पास फ़ोन था, बाई बोलते थे मुझे, बाई मतलब लड़की जैसा होता है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे बैठो ना तो आपके साइड से आपका ब्रेस्ट का पोर्शन दिखता है, सो ही यूज्ड टू टेक अ पिक्चर। मुझे ये पता ही नहीं था, लेकिन उनका कंप्यूटर मेरे हाथ में था, ठीक है। अब उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन गिफ्ट कर दिया, मुझे लगा बाई बोल रहे बेटा, मतलब एक बाप बाप की हैसियत वाला इंसान है। तो अगर कोई आपको फ़ोन दे रहा है गरीब के लिए, फ़ोन मतलब बहुत हो गया। तो मुझे लगा कि उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन के साथ मुझे फ़ोन दिया, लेकिन उनकी इंटेंशन गलत थी। एक दिन ऐसे ही मैं कंप्यूटर पे बैठी हुई थी तो मैं देख रही हूँ एक फोल्डर में लिखा हुआ है दुर्गा, और दुर्गा मतलब उस फोल्डर में मैंने ऑफकोर्स कपड़े पहने हुए हैं और ये साइड वाले ब्रेस की फ़ोटोज़ थी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि जब दुर्गा भड़कती है तो वो काली माँ बन जाती है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं वापस चले गई, लेकिन नेक्स्ट डे से मैंने जाना ही बंद कर दिया। अब उन्हें क्या डाउट हुआ कुछ पता नहीं, मैं ये जो मेरे पार्ट टाइम वाले जॉब चलते थे वो स्टॉक मार्केट मतलब 6 बजे के बाद वाले चलते थे, तो वो जहाँ पे मेरी दूसरी पार्ट टाइम जॉब थी वहाँ पे आए और मुझे बोलते बाहर आओ। तो मैं बाहर ही, मुझे डाउट था कि शायद मैं नहीं जा रही तो कुछ तो दिक्कत हुई होगी। तो मुझे बोलते तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसी सी बात है, मुझे आपके कंप्यूटर में मेरी फ़ोटोज़ दिखी है और वो मेरे लिए से बहुत गलत है, क्योंकि तब तक तो मैं वही लड़की थी ना जिसकी चुन्नी सरक जाए तो चुन्नी चुन्नी सीधी कर ले। तो वो मुझे बोलते हैं तू अभी के अभी मेरे साथ घर पे चल, नहीं तो मैं तेरे को यहीं थप्पड़ मारूंगा। और जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो मार्केट एरिया था, अगर मैं उनके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो पूरा गाँव मतलब पब्लिसिटी हो जाती मेरी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको बात करनी होगी, तो मैं उनके घर पे चली गई और शायद उनके घर पे कुछ नहीं था, बट उस वक्त मैंने रियल कि ऑफ कोर्स ही ट्राइड टू डू समथिंग। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी से आज के बाद कोई गिफ्ट ही नहीं लेना चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ सर आप मुझे गलत समझ रहे हो, वो मुझे बोलते अच्छा मैंने तेरे को फ़ोन दिया तो तब तेरे को गलत नहीं लगा। अरे तो फ़ोन, मैं उनको बोल रही कि आपने फ़ोन दिया तो मुझे ये थोड़ी ना बता के दिया कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, और आप मुझे तो बाई बोलते हो। तो मैं थी, वो मेरे ऊपर थे, ही वॉज ट्राइंग एंड देन मैं चिल्ला रही थी। इतने में उनकी मम्मी आ गई। उनकी मम्मी एक लेडीज होने के बाद वो अपने बेटे को देख के उनके ऊपर नहीं चिल्ला रही है, वो मेरे ऊपर चिल्ला रही है और मुझे बोलते कि आज के बाद यहाँ पे आना नहीं। और यहाँ से भी मुझे वार्निंग मिल गई है कि तुम सर में दिखोगी तो थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सलील, मेरी जॉब थी अच्छी थी सही थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये नहीं था कि मैं तुम सर में रहूं। मैं घर जाती हूँ, हिम्मत नहीं है मम्मी को ये सब बताने की, क्योंकि पहले अगर बताती भी तो शायद यही बोला जाता कि हाँ किसी से बोलो मत, ये मत करो वो मत करो। और वो तो टीचर थे तो उनकी एक तो अलग स्टैंडर्ड था, लेवल था, कोई थोड़ी मेरी बातों पे विश्वास करता। तो मैं घर पे गई,
पता नहीं उस इंसान ने कभी ब्रश भी किया था या नहीं, लेकिन उनके दांतों के नीचे जो पीला वाला जो होता है वो मेरे सलवार कमीज पे था। बहुत नहाया उस दिन, मैंने 2 बार नहाया 3 बार नहाया, रोती रही। मम्मी को शायद डाउट हुआ होगा कि कुछ तो हुआ होगा, लेकिन मैं उनको पता नहीं उसकी। दूसरे दिन मैंने जो मेरे सैलरी के पैसे थे पैसे उठाए, फिर नागपुर चली गई।